फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों इंटरनेट बैंडविड्थ ये वर्ड हम लोग कई बार सुन चुके हैं, कई बार सुनते हैं। आजकल दुनिया में इंटरनेट कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आजकल लॉकडाउन के दिनों में ये वीडियो बना रहा हूँ, लॉकडाउन में तो इंटरनेट कंजम्पशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो ये वर्ड ज़रूर सुनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कई लोग इस मतलब को समझते हैं, कई लोग नहीं समझते कि बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, इंटरनेट बैंडविड्थ क्या होता है। जो नहीं समझते उनके लिए वीडियो है। मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट बैंडविड्थ होता क्या है और साथ में ये भी बताऊँगा कि इंटरनेट बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। मोटे मोटे 5 तरीके बताऊँगा, बहुत ही आसान, जिससे कि आप अपने इंटरनेट बैंडविड्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल, लेट्स बिगिन। इंटरनेट बैंडविड्थ, इससे पहले बैंडविड्थ का मतलब समझिए। इंग्लिश का वर्ड है, बैंडविड्थ का सिंपल सा मतलब है कैपेसिटी, क्षमता, कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को करने की या किसी सिचुएशन को डील करने की क्षमता। ठीक है, जैसे कि एक आदमी 2 आदमियों से लड़ सकता है तो उसकी क्षमता है 2 आदमियों से लड़ने की। जब इंटरनेट बैंडविड्थ इन शब्दों को जोड़ के इसका इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा इंटरनेट लेते वक्त पूछा जाता है इंटरनेट की स्पीड क्या है, अबे तेरे इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट बैंडविड्थ ऑलमोस्ट एक ही है। 5 Mbps कनेक्शन होता है किसी का, 50 Mbps होता है किसी का, 100 Mbps होता है। तो ये क्या है Mbps, यहाँ पे मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इंटरनेट बैंडविड्थ का मतलब ये हो गया कि डेटा ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर किसी के पास 100 Mbps कनेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि वो सर्वर से या प्रॉक्सी सर्वर से जो कि डेटा आ रहा है, जब वो अपने सिस्टम से कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो ये इंटरनेट की जो स्पीड कंज्यूम हो रही है, इस स्पीड की कैपेसिटी है 100 Mbps, अगर किसी के पास 100 Mbps कनेक्शन है। तो इसका मतलब हो गया सिंपल इंटरनेट बैंडविड्थ। ये ध्यान रखिए कि स्पीड ज़रूरी नहीं है कि डाउनलोड स्पीड भी उतनी हो, अपलोड स्पीड भी उतनी हो। अगर आपके पास 100 Mbps का कनेक्शन है तो आपकी डाउनलोड बैंडविड्थ उससे कम होगी, अपलोड बैंडविड्थ उससे भी ज़्यादा कम हो सकती है, वो अलग हो सकती है। लेकिन जब आप सर्फिंग करते हैं तो हो सकता है, ब्राउजिंग करते हैं तो आपको हो सकता है कि 100 Mbps के आसपास की स्पीड मिले। अब बात करते हैं कि क्या इंटरनेट बैंडविड्थ, अगर आप घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो क्या अपने इंटरनेट की बैंडविड्थ को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। 100 Mbps से 200 Mbps तो कर नहीं सकते, लेकिन कई बार ये देखा जा सकता है कि 100 Mbps लोगों को कहते हैं लेकिन मिलती नहीं है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूरी 100 Mbps नहीं मिल रही है, कहती कंपनी 100 Mbps है लेकिन 50, 60, 70 ही मिल रही है, तो आप अपनी तरफ से उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। उसको करने के 5 आसान तरीके ये आपके सामने। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड को पहले टेस्ट करें, इससे पहले कि आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि है कितनी। है कितनी का मतलब ये नहीं है कि आपको कंपनी ने लिख के कितनी दी है या ईमेल पे कितनी लिखी हुई है, एक्चुअल में कितनी आ रही है। उसके लिए अगर आप एयरटेल का यूज़ करते हैं तो एयरटेल की ऐप में ही जो इंटरनेट टेस्टिंग ऐप है, एप्लीकेशन है, वो उसमें उसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं। वरना आप टाइप करिए गूगल में तो 50 आपको टेस्टर्स मिल जाएंगे जो कि आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ को उसी वक्त 1 मिनट में स्कैन करके आपको बता देंगे कि आपको कितनी स्पीड मिल रही है। सो नो योर नंबर्स, जो भी आपकी एक्यूरेट है, क्या पता आपको पहले से ही ज़्यादा मिल रही हो। ठीक है, अगर वो कम लगती है तो फिर डेफिनेटली आपके 3-4 तरीके और आजमाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, ज़्यादातर घरों में एक से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। कई बार होता ये है कि हम कुछ हैवी इंटरनेट यूजेज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई मूवी चला रहे हैं, कुछ स्ट्रीम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये कर रहे होते हैं तो घर के दूसरे लोग भी इंटरनेट से चिपके हुए होते हैं, सबके पास अपने अपने मोबाइल हैं, कोई टीवी चला रहा है इंटरनेट से। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल केबल कनेक्शंस थे उनको हटा ही दिया और वो सिर्फ स्ट्रीम करते हैं, सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग के थ्रू देखते हैं। तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि दूसरे कमरों में और फैमिली मेम्बर्स भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली वो यूज़ करेंगे तो आप उनको रोकेंगे तो नहीं, घर में रहते हैं, लेकिन इससे इसकी वजह से आपके इंटरनेट की स्पीड इम्पैक्ट होती है। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो उस वक्त उस टाइम पीरियड में ये चेक कर लीजिए कि घर में और लोग भी हैं इंटरनेट यूज़ करने वाले, तो उनको बोलिए कि कुछ देर के लिए पॉज करें, तब आप अपना देखेंगे, आप 100% कुछ स्पीड इम्प्रूवमेंट पाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें देखेंगे वो अच्छे तरीके से होगा। थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे एक हाई एंड डुअल बैंड राउटर खरीदने के लिए। डुअल बैंड राउटर जो ट्रेडिशनल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है फ्रीक्वेंसी पे, वो तो होता ही है उसमें, लेकिन एक दूसरा नेटवर्क भी होता है उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ की कैपेसिटी का, और ये स्पेशली आपको इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करने के लिए राउटर्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि जो भी मैक्सिमम अवेलेबल है वो ऑप्टिमाइज़ करके आपको दी जाए, और स्पेशली जो रिच कॉन्टेंट होता है इंटरनेट पे उसको स्ट्रीम करने के लिए इन्हीं राउटर्स का इस्तेमाल किया जाए तो आपको क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता है। आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट पाएंगे अगर आप ये हाई एंड डुअल बैंड राउटर्स यूज़ करेंगे। इस तरीके के राउटर्स में एक एडिशनल टेक्नोलॉजी भी सपोर्टेड होती है जो कि होती है बीम फॉर्मिंग। बीम फॉर्मिंग आप कुछ ऐसा कहिए कि आपके डिवाइस और राउटर से इंटरनेट आ रहा है ना, राउटर से ही इंटरनेट सिग्नल्स इंटरनेट पैकेट्स ब्रॉडकास्ट होते हैं जो कि आपका डिवाइस कैच करता है, आपके डिवाइस का वाईफाई कार्ड कैच करता है। तो आपके डिवाइस और राउटर के बीच में जो ये इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ये एक बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एक वेरी सॉलिड बीम इस्टेब्लिश कर देती है, और इससे फिर जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत स्मूथली होता है। और रिच मीडिया में इसका आपको असर, छोटी मोटी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप रिच मीडिया HD मूवीज़ 4K 8K मूवीज़ अगर आपको मिल रही हैं ऐप्स में और आप उनको देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फ़र्क महसूस होगा। राउटर लोकेशन, जो कि बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, उनको पता नहीं लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग अपने घर में राउटर कहीं कोने में डाल देते हैं और कहीं दूसरे कोने में दरवाज़ा बंद करके टीवी में कोई मूवी स्ट्रीम कर रहे हैं तो उनको अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा है, लैग कर रही है मूवी, वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कुछ ब्लॉक कर रहा होगा इंटरनेट के सिग्नल्स को। हो सकता है कि आपने दरवाज़ा बंद कर रखा हो सकता है राउटर कोने में हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ बीच में आ रही हो। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने राउटर की लोकेशन के साथ, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। कई लोग राउटर को घर के बीचों बीच दीवार के ऊपर टांग के लगाते हैं, उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है। सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द लोकेशन ऑफ योर राउटर एज वेल। जो अगला तरीका है उसके लिए भी थोड़े पैसे खर्च होंगे, वो है वाईफाई रिपीटर। वाईफाई रिपीटर्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, कई लोग खरीद रहे हैं, और वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जैसे आपका अगर घर थोड़ा बड़ा है या आपका घर एक फ्लोर से ज़्यादा फ्लोर्स में बना हुआ है, वाईफाई राउटर लगाए नीचे और आपको इंटरनेट चाहिए ऊपर, सिग्नल तो मिलते हैं लेकिन सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। वाईफाई रिपीटर्स आते हैं जो कि आपके पावर आउटलेट में लग जाते हैं और वो एक बीम कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं एक एग्जिस्टिंग ओरिजिनल राउटर के साथ, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो जो सिग्नल्स राउटर के पास आ रहे हैं, राउटर से निकल के आपके वाईफाई रिपीटर में आ रहे हैं, वाईफाई रिपीटर उनको बूस्ट कर देता है और उसके आसपास जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको बहुत अच्छे सिग्नल वो राउट कर देता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको बूस्ट कर देता है, मैक्सिमाइज कर देता है, ठीक है। तो डिवाइसेस अच्छा कनेक्शन पड़ते हैं, खरीद सकते हैं आप वाईफाई रिपीटर्स भी। तो ये थे, पता नहीं मैंने 4 बताए या 5 बताए, तो ये थे कुछ तरीके जो कि आसान तरीके हैं अपने इंटरनेट स्पीड को बूस्ट करने के, यानी कि इंटरनेट बैंडविड्थ को बूस्ट करने के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इस तरीके के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।